हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 जो है हमारी बेसिक्स ऑफ एडिटिंग। ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करेंगे हम आज की वीडियो में। और ये किस सब्जेक्ट की यूनिट है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो ये है हमारा BA थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर जो है पेपर 2nd मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, तो ये इस सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। तो ये यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, पर इस बार यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है, तो अपना अपना सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, और ये है हमारी यूनिट 7 जिसमें हम पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ एडिटिंग, जिसमें ये जो टॉपिक हैं इन टॉपिक के हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग क्या होते हैं, एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है, रोल क्या होता है एडिटर का, ठीक है, चीफ सब एडिटर कौन होते हैं और सब एडिटर्स कौन होते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कॉन्सेप्ट वाली, तो प्लीज़ वो जाकर पहले आप देख लें, तभी आपके ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप एडिटिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं तो रहने दीजिए, मत देखिए, है ना, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। पर अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपको अच्छे से जानना है, तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट भी बना दी है इस पूरे सिलेबस की, वहाँ पर आपको सारी यूनिट मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एडिटिंग। एडिटिंग होती क्या है, वैसे तो सब कुछ पता होगा आपको, ठीक है, एडिटिंग के बारे में। तो मान लो कोई रिपोर्टर है, न्यूज़ लेकर आता है, वो न्यूज़ टुकड़ों में लाएगा, ठीक है, कोई कैसी कुछ होंगे, तो उनको ठीक से मतलब प्रेजेंटेशन लायक न्यूज़ में न्यूज़पेपर में प्रिंट करने लायक बनाना न्यूज़ को, ठीक है, तो वो कहलाता है एडिटिंग। ठीक है, एडिट वगैरह करके उसको अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करना न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का लेआउट डिज़ाइन तैयार करना, तो ये सब आता है एडिटिंग में। कट करना, उसमें कुछ ऐड करना है तो फ़ोटो वगैरह उसको ऐड करना, है ना, क्रॉप वगैरह करना। अगर हम टेलीविज़न की बात करें, अगर न्यूज़ वीडियो वाली न्यूज़ है तो उसमें वीडियो को क्रॉप वगैरह करना, ठीक है, क्योंकि जो रिपोर्टर्स लाते हैं वो पूरी तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करने लायक न्यूज़ नहीं होती हैं, उनको ठीक से एडिट किया जाता है फिर रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पर। ठीक है, तो इसका हमें बताना है प्राइमरी गोल, उद्देश्य बताना है एडिटिंग का। ऑप्शन है इसमें ए क्रिएटिविटी, बी एक्यूरेसी यानी सटीकता, सी लेंथीनेस, डी ओपिनियंस यानी राय। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी गोल होता है एडिटिंग का कि वो जो न्यूज़ हो उसको हम सटीक बना पाएँ, ठीक है, एक्यूरेट बना पाएँ, एक्यूरेसी होना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज़ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन स्टाइल इम्पॉर्टेंट फॉर एन एडिटर। यानी जो एडिटर होता है, एडिटर को हिंदी में बोलते हैं, संपादक के लिए शैली में निरंतरता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम कोई न्यूज़ लिख रहे हैं तो उस पूरी न्यूज़ में एक ही टाइप की शैली होना चाहिए, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बनी रहना चाहिए किसकी, स्टाइल की, ठीक है, एक ही स्टाइल में न्यूज़ एक न्यूज़ लिखी हो तो उसके हर पैराग्राफ में एक ही टाइप की शैली यूज़ होना चाहिए, स्टाइल यूज़ होना चाहिए। तो ये क्यों ज़रूरी है, ऑप्शन इसमें ए है टू लिमिट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को सीमित करने के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू कंफ्यूज रीडर्स, पढ़ने वालों को कंफ्यूज करने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी है टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म यानी प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए। डी है टू डिस्करेज वेराइटी यानी विविधता को डिस्करेज करके, तो ये नहीं होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म यानी प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए हमारी न्यूज़। अगर हम न्यूज़ के हर पैराग्राफ में अगर अलग अलग टाइप का स्टाइल यूज़ करेंगे तो वो बड़ी अटपटी सी लगेगी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म यानी प्रोफेशनलिज्म बना रहे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज फैक्ट चेकिंग कंट्रीब्यूट टू इन एडिटिंग। अब तक फैक्ट चेकिंग बहुत बार हम समझ चुके हैं क्या होता है, तथ्य की जांच करना, मतलब जो न्यूज़ हम दे रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं, तथ्य को जांचना परखना, ठीक है, तो ये एडिटिंग में क्या योगदान देता है। ऑप्शन है इसमें ए स्टाइल देता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि फैक्ट चेकिंग मतलब होता है किसी चीज़ का जांच करना, तो इसका स्टाइल से तो कोई मतलब ही नहीं, है ना। बी है एक्यूरेसी यानी सटीकता, सी है ओपिनियंस यानी राय, ये भी नहीं होगा।
डी है लेंथीनेस, मतलब उसको लेंथी बनाना, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी एक्यूरेसी। फैक्ट चेकिंग हमें इसलिए ज़रूरी होती है कि न्यूज़ एक्यूरेट हो, सटीक हो, ठीक हो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो बैकग्राउंड में वॉइस आएंगी आज थोड़ी, उनको प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एन एडिटर कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग क्लियरिटी इन रिटन कंटेंट, यानी जो एडिटर होते हैं, ठीक है, संपादन लिखित सामग्री में स्पष्टता बनाए रखने का मतलब क्यों ज़रूरी है, क्लियरिटी बनाए रखना एडिटर के लिए क्यों ज़रूरी है रिटन कंटेंट में। ऑप्शन है इसमें ए, इनकरेजिंग एम्बिग्युटी, यानी अस्पष्ट, मतलब जो अस्पष्टता है उसको बढ़ावा देना, मतलब अस्पष्टता जो स्पष्ट ना हो, ठीक है, गंदा गंदा तरीके से लिखना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है इग्नोरिंग ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स को इग्नोर करना, तो ये भी नहीं होगा आंसर, है ना, ग्रामर रूल्स को क्यों इग्नोर करा जाए बिना फालतू में। सी है प्रायोरिटाइजिंग लेंथीनेस, यानी लेंथीनेस को बढ़ावा देना, प्रायोरिटाइज करना, ये भी नहीं होगा, मतलब प्राथमिकता देना। डी है प्रोवाइडिंग कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, ठीक है, तो आंसर यही होगा, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एडिटर पॉलिसी, एडिटोरियल पॉलिसी के बारे में पूछा है इन्होंने, एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है। ऑप्शन है इसमें ए, अ स्टोरी प्लॉट, यानी कहानी का कथानक। बी है अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर कंटेंट क्रिएशन, यानी कंटेंट क्रिएशन के लिए, बनाने के लिए कंटेंट एक दिशा निर्देश होता है, एक गाइडलाइंस होती हैं। सी है अ फिक्शनल नैरेटिव, यानी एक काल्पनिक कथा होती है। डी है अ पर्सनल ओपिनियन, यानी खुद की राय होती है। तो आंसर आपको अच्छे से पता चल गया होगा अगर आपने इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है ना, तो मैंने बताया था एडिटोरियल पॉलिसी होती है कि कोई संस्था किस टाइप से अपना कंटेंट बना रही है ना, उसका एक अपना स्टाइल होता है। आपने देखा होगा हर न्यूज़पेपर का अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक है, न्यूज़ को प्रिंट करने का, तो वही होती है, तो गाइडलाइंस होती हैं कंटेंट क्रिएशन की, गाइडलाइंस होती है, उसको बोलते हैं एडिटोरियल पॉलिसी। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश एडिटोरियल पॉलिसी, क्यों जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों, उन्होंने क्यों एस्टेब्लिश किया है और एडिटोरियल पॉलिसीज़ को, यानी जो संपादकीय नीति होती है, हिंदी में एडिटोरियल पॉलिसी को बोलते हैं, संपादकीय नीतियों को क्यों स्थापित किया है। ऑप्शन है इसमें ए, टू लिमिट क्रिएटिविटी, ये तो आंसर होगा नहीं, क्रिएटिविटी को लिमिटेड बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी है टू कंट्रोल ओपिनियंस, यानी ओपिनियंस जो होती हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन है इसमें सी, टू गाइड कंटेंट क्रिएशन एंड डिसीजन मेकिंग, यानी जो कंटेंट क्रिएशन है, मतलब कंटेंट का निर्माण और निर्णय लेने को मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है, गाइड करने के लिए, ये जो है जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो एडिटोरियल पॉलिसीज़ बनाती हैं, किस लिए, गाइड करने के लिए, तो आंसर यही हो जाएगा सी। ऑप्शन डी था, टू डिस्करेज डाइवर्सिटी, यानी विविधता को डिस्करेज करने के लिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कंसीडरेशंस आर टिपिकली एड्रेस्ड इन अ पब्लिकेशंस स्टाइल गाइड, यानी प्रकाशन की शैली मार्गदर्शिका में आमतौर पर किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। प्रकाशन की शैली जो होती है, स्टाइल जो होता है, उसमें उसके मार्गदर्शिका में, उसके गाइड करने में किस बात को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन इसमें ए, पर्सनल प्रेफरेंस, यानी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। बी है ग्रामर एंड पंक्चुएशन रूल्स, ठीक है, ग्रामर और जो पंक्चुएशन रूल्स होते हैं उनको। सी है पॉलिटिकल एफिलिएशंस। डी है लेंथी सेंटेंसेस, तो ये तो आंसर होगा नहीं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस को नहीं देखा जाता है, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ग्रामर एंड पंक्चुएशन जो रूल्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है स्टाइल की गाइडनेस करने के लिए, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एन एडिटोरियल पॉलिसी गाइड डिसीजन मेकिंग इन न्यूज़ रूम्स, यानी कैसे पत्रकारिता में संपादक की, मतलब जो न्यूज़ रूम्स होते हैं उसमें निर्णय लेने का मार्गदर्शन कैसे करता है, एडिटर पॉलिसी कैसे गाइड करता है और मतलब डिसीजन लेने में। ऑप्शन है इसमें ए, बाय
रेस्ट्रिक्टिंग क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर कर मतलब जो रचनात्मक को प्रतिबंधित करके भी है, बाय प्रोमोटिंग सेंसेशनलिज्म, यानी जो बढ़ावा देकर मतलब सनसनी बनाना, ठीक है, हर बात में हर न्यूज़ को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखना, सनसनी वाली न्यूज़ बनाना, उसको प्रमोट करता है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं, है ना। सी है बाय प्रोवाइडिंग इथिकल गाइडलाइंस, यानी एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करके एक गाइडलाइंस देकर। डी है बाय डिस्करेजिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता को डिस्करेज कर कर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। एडिटोरियल पॉलिसी एक डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि ये एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडिटर इन जर्नलिज्म, यानी एक जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारिता में जो एडिटर होते हैं उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, है ना, यानी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है उनकी। ऑप्शन है इसमें ए, जेनरेटिंग हेडलाइंस, यानी हेडलाइंस को बनाना, तो सिर्फ ये तो होगा नहीं, है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ होता है उनका कार्य, ठीक है। बी है इंश्योरिंग एक्यूरेसी, यानी सटीकता को बनाना, एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, और कंटेंट जो है हमारा, जो भी हमारा न्यूज़ है उसका क्वालिटी को मेंटेन रखना, है ना, और सटीकता बनाना, सटीक बनाना। सी है मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग, यानी एड वगैरह को मैनेज करना, तो ये भी नहीं होगा। बी है हेडलाइन डिस्ट्रीब्यूशंस लॉजिस्टिक्स, यानी जो मतलब जो वितरण रसद को संभावित संभावना संभालना, ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में ही होगा, समझ में ही आ गया होगा कि इसका आंसर होगा बी, इंश्योरिंग एक्यूरेसी, यानी सटीकता को बनाना, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यानी जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी को बनाना, ठीक है, एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज़ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन स्टाइल इम्पॉर्टेंट फॉर एन एडिटर, यानी संपादक के लिए, एडिटर के लिए स्टाइल में निरंतरता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, है ना। ऑप्शन इसमें ए, टू लिमिट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को लिमिटेड सीमित बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी है टू कंफ्यूज रीडर्स, जो पाठक हैं पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर उनको कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल नहीं। सी है टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म, यानी प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने के लिए, तो यही इसका आंसर होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी इसको देखा था अभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज एन एडिटर कॉन्ट्रीब्यूट, यानी योगदान, टू एडेप्ट कॉन्टेंट फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट को अनुकूलित करने में जो एडिटर होते हैं किस तरह योगदान देते हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लायक बनाने के लिए, मतलब जो भी कंटेंट है न्यूज़ है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अपलोड करने के लायक बनाने के लिए किस टाइप का योगदान देते हैं जो हमारे एडिटर होते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, इग्नोरिंग ऑनलाइन ट्रेंड्स, यानी जो ट्रेंड्स चल रहा है उसको इग्नोर करके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी है बाय रिफ्यूजिंग डिजिटल फॉर्मेट्स, यानी डिजिटल प्रारूपों को, फॉर्मेट को अस्वीकार करके, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। सी है ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर ऑनलाइन कंजप्शन, यानी ऑनलाइन कंजप्शन के लिए कंटेंट को अनुकूलित बनाकर, ठीक है, मतलब ऑनलाइन कंजप्शन जो करते हैं लोग, उपभोग जो करते हैं न्यूज़ को लेना, ठीक है, कंज्यूम करना, तो उसके लायक बनाकर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी, अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अवॉइड करके, बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, अनुकूलित बनाकर, ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर ऑनलाइन कंजप्शन, ऑनलाइन कंजप्शन के लिए कंटेंट को अनुकूलित बनाकर, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी ऑफ अ न्यूज़ एडिटर, ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल डी है, इंश्योरिंग एक्यूरेसी, सटीकता बनाए रखने के लिए न्यूज़ की, और क्वालिटी ऑफ न्यूज़ कंटेंट, और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए न्यूज़ की, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज अ न्यूज़ एडिटर कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टोरी सिलेक्शन, ठीक है, स्टोरी सिलेक्शंस एंड प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, यानी जो हमारा एडिटर होता है, ठीक है, समाचार संपादक, कहानी के चयन में, स्टोरी
को चुनने में, ठीक है, स्टोरी सिलेक्शन में और प्राथमिकता निर्धारण में किस तरह योगदान देता है कि किसी चीज़ को प्राथमिकता देना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन आना चाहिए, इस टाइप से क्या मतलब क्या ये योगदान देता है जो एक एडिटर होता है। ऑप्शन है इसमें ए, इग्नोरिंग न्यूज़ इवेंट्स न्यूज़ की घटनाओं को इग्नोर करके, बिल्कुल नहीं। बी है रैंडमली असाइनिंग स्टोरीज, यानी कोई भी कहानी उठा ली, है ना, किसी भी कहानी को उठा लिया रैंडमली, तो इस टाइप से ये भी नहीं होगा क्योंकि एक सोच समझ कर लेना पड़ती है किसी भी स्टोरी को न्यूज़ में प्रिंट कराने के लिए, है ना। सी है असेसिंग सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस, यानी महत्व और प्रासंगिकता का आकलन करके, मतलब किस चीज़ का को ज़्यादा महत्व, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, इस टाइप को देखकर कौन सी जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप से। डी है अवॉइडिंग डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने से बचना, ये भी नहीं होगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी, इस टाइप से न्यूज़ को उठाओ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले फ्रंट पेज पे रखो, है ना, तो इस टाइप से प्राथमिकता दी जाती है स्टोरी सिलेक्शन में भी, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स इन द न्यूज़ एडिटर्स रोल, यानी जो है समाचार संपादक की भूमिका में सामुदायिक मानकों का क्या महत्व है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का क्या महत्व है, ठीक है, एडिटर के जो रोल होते हैं उसमें। ऑप्शन है इसमें ए, इग्नोरिंग कम्युनिटी फीडबैक, यानी जो रिएक्शन होता है कम्युनिटी का, उसका फीडबैक जो होता है उसको इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। बी है फॉस्टरिंग इंगेजमेंट एंड रिलेवेंस, यानी जुड़ाव और प्रासंगिकता को बढ़ावा देना। बी सी है प्रोमोटिंग सेंसेशनलिज्म, यानी किसी न्यूज़ को बहुत ज़्यादा सनसनी वाली बनाना, यानी बड़ा चढ़ाकर लिखना, तो ये तो होगा नहीं, है ना। डी है अवॉइडिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी सामुदायिक भागीदारी को अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, फॉस्टरिंग इंगेजमेंट एंड रिलेवेंस, यानी जुड़ाव और प्रासंगिकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज हेडलाइन क्रिएशन अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट पहलू ऑफ द न्यूज़ एडिटर रोल, यानी शीर्षक निर्माण जो होता है ना, हेडलाइन बनाना जो होता है, समाचार एडिटर की भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू क्यों है, हेडलाइन बनाना जो है एडिटर रोल्स का क्यों इम्पॉर्टेंट काम होता है, एडिटर्स का क्या इम्पॉर्टेंट काम, क्यों इम्पॉर्टेंट काम होता है हेडलाइन को बनाना, तो हेडलाइन बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, जितनी आकर्षित हमारी हेडलाइन होगी ना, उतना ही ज़्यादा लोग न्यूज़ को और उस न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ए है टू लिमिट रीडर इंटरेस्ट, यानी रीडर का जो इंटरेस्ट है, पढ़ने वाले के इंटरेस्ट को सीमित बनाना, बिल्कुल नहीं। बी है टू कंफ्यूज द ऑडियंस, जो रीडर्स हैं ऑडियंस हैं उनको कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, बिल्कुल नहीं। सी है टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड कन्वे की इंफॉर्मेशन, यानी ध्यान आकर्षित करना और महत्वपूर्ण जानकारी देना, ठीक है। तो हेडलाइन में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही तो लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, है ना, तो बड़े बड़े अक्षरों में वही न्यूज़ लिखी जाती है जो मेन लाइन जो होती है, ठीक है, मेन आइडिया जो होता है, की इन्फॉर्मेशन जो होती है और अट्रैक्ट करता है, वो अटेंशन लेता है लोगों की, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज अ चीफ सब एडिटर, चीफ सब एडिटर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये इसके अंडर में एडिटर और सब एडिटर काम करते हैं, है ना, तो देख लेते हैं। आ चीफ सब एडिटर कंट्रीब्यूट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन राइटिंग स्टाइल, यानी राइटिंग स्टाइल में निरंतरता बनाए रखने में जो चीफ सब एडिटर है उनका क्या रोल है, क्या योगदान है। ऑप्शन है इसमें ए, इग्नोरिंग स्टाइल गाइडलाइंस जो होती हैं उसको इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। बी है इन्फोर्सिंग एडरेंस टू द पब्लिकेशन स्टाइल गाइड, यानी जो प्रकाशन की, जो पब्लिकेशन की शैली है, स्टाइल है, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस जो है उनका पालन करना, उनको लागू करना। सी है इनकरेजिंग वेरिड राइटिंग स्टाइल, यानी अलग अलग टाइप के जो राइटिंग स्टाइल हैं उनको प्रोत्साहित करना, मतलब अलग एक ही न्यूज़पेपर में अलग अलग टाइप के स्टाइल का यूज़ करना। डी है अवॉइडिंग कोलेबोरेशन विद सब एडिटर, यानी उप जो सब एडिटर्स होते हैं उनके साथ सहयोग से बचना, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी,
क्या हो करना चीफ सब एडिटर का स्टाइल को मेंटेन करने में क्या योगदान होता है, कि वो जो गाइडलाइंस हैं हमारी जो पब्लिकेशन जो है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, ठीक है, और उनको लागू करें। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रोल डज अ चीफ सब एडिटर प्ले इन हेडलाइन क्रिएशन एंड कैप्शनिंग, यानी जो जो हेडलाइन जो होती है, शीर्षक जो होता है, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज़पेपर में लिखा होता है, उसको बोलते हैं हेडलाइन, ठीक है। तो शीर्षक निर्माण और कैप्शनिंग में मुख्य जो हमारा चीफ सब एडिटर है उसका क्या भूमिका होती है। ऑप्शन है इसमें ए, लीविंग हेडलाइंस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस, यानी शीर्षकों को व्यक्तिगत पसंद के ऊपर छोड़ना। बी है ओवरलुकिंग कैप्शंस, यानी कैप्शन को अनदेखा करना। सी है इंश्योरिंग कैंपेलिंग हेडलाइंस एंड इंफॉर्मेटिव कैप्शंस, यानी जो सम्मोहक शीर्षक और सूचनात्मक कैप्शन होते हैं उनको सुनिश्चित करना। डी है अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट इन क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, यानी जो रचनात्मक पहलुओं में शामिल होने से अवॉइड करना। तो बिल्कुल नहीं, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या करना, इंश्योरिंग कंपेलिंग हेडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन कैप्शंस, यानी सम्मोहक शीर्षक लिखना और सूचनात्मक कैप्शन देना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज क्वालिटी कंट्रोल अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, यानी पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है ऑफ द चीफ सब एडिटर्स रोल। चीफ सब एडिटर्स का जो रोल का, उनके रोल का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या, क्वालिटी कंट्रोल करना जो है हमारी न्यूज़पेपर की या फिर न्यूज़ की। तो मतलब क्यों क्यों है ये, मतलब गुणवत्ता नियंत्रण मुख्य उप संपादक बोलते हैं चीफ सब एडिटर्स को, की भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू क्यों है। ऑप्शन है इसमें ए, टू इनकरेज एरर्स, यानी गलतियों को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल नहीं, इनकरेज थोड़ी ना होगा क्वालिटी को, अगर हम कंट्रोल में रखेंगे है ना तो गलतियाँ थोड़ी ना बढ़ेंगी उससे, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है टू कॉम्प्रोमाइज एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स, यानी जो एडिटोरियल मानक होते हैं उनसे समझौता करना। बिल्कुल नहीं। सी है टू अपहोल्ड हाई एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स एंड एक्यूरेसी, यानी उच्च संपादकीय मानकों और सटीकता को बनाए रखना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, डिस्करेज अटेंशन टू डिटेल्स, ये तो होगा नहीं, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, टू अपहोल्ड हाई एडिटोरियल स्टैंडर्ड एंड एक्यूरेसी, यानी हाई एडिटोरियल स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्ड बनाना और सटीकता बनाए रखना, ठीक है, आंसर सी। इसलिए हमें क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, मतलब एडिटर को क्वालिटी कंट्रोल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सब एडिटर। सब एडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मुख्य जिम्मेदारी कह सकते हैं क्या होती है। ऑप्शन है इसमें ए, मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, यानी विज्ञापन राजस्व का प्रबंधन करना, रेवेन्यू का प्रबंधन करना। बी है जेनरेटिंग हेडलाइंस, यानी हेडलाइंस जो होती है उनको बनाना। सी है फैक्ट चेकिंग एंड एडिटिंग कंटेंट, यानी जो कंटेंट है उनको फैक्ट चेकिंग करना, तथ्य की जांच करना और एडिटिंग एडिट करना। जाहिर सी बात है सब एडिटर है तो एडिटिंग ही करेगा, है ना। डी है ओवरसीइंग न्यूज़ रूम ऑपरेशंस, यानी ओवरसीइंग मतलब न्यूज़ रूम में एक देखरेख करना एक टाइप से। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, सब एडिटर है, एडिटिंग ही करेगा कंटेंट की और तथ्य की जांच करेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज अ सब एडिटर कंट्रीब्यूट, यानी जो सब एडिटर है वो कैसे योगदान करता है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन राइटिंग स्टाइल, यानी राइटिंग स्टाइल में निरंतरता बनी रहे। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हमने एडिटर में भी देखा था और चीफ सब एडिटर में भी देखा था कि राइटिंग जो स्टाइल है, एक न्यूज़ की राइटिंग स्टाइल एक जैसी होना चाहिए। ये नहीं कि एक पैराग्राफ में कुछ लिख दिया हमने, किसी और राइटिंग स्टाइल का यूज़ कर दिया, एक पैराग्राफ में हमने बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर दी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी एक सी राइटिंग स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, इनकरेजिंग डाइवर्स राइटिंग स्टाइल, यानी इनकरेजिंग यानी बढ़ावा देता है अलग अलग टाइप की राइटिंग स्टाइल को, तो ये तो होगा नहीं आंसर।
बी है इग्नोरिंग द स्टाइल गाइड, यानी स्टाइल गाइडनेस जो होती है किसी भी पब्लिकेशन की उसको इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। सी है इन्फोर्सिंग एडरेंस टू द पब्लिकेशन स्टाइल गाइड, यानी क्या हुआ इसका मतलब, प्रकाशन जो होता है पब्लिकेशन जहाँ से वो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, जो संस्था होती है, ठीक है, प्रकाशन की शैली यानी स्टाइल को की गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करना, ठीक है। डी है अवॉइडिंग कोलेबोरेशन विद राइटर्स, यानी लेखकों के साथ सहयोग को अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। पब्लिकेशन स्टाइल की गाइडनेस जो होती है उसको फॉलो करना, उसका पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज अ सब एडिटर कॉन्ट्रीब्यूट, यानी योगदान देते हैं टू लेआउट, जो लेआउट एंड डिज़ाइन डिसीजन, जो पेज का लेआउट होता है, डिज़ाइन होता है कि कौन सी न्यूज़ किधर प्रिंट होगी तो अच्छी लगेगी, है ना। आपने देखा होगा जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं वो फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी प्रिंट होती हैं, लोकल न्यूज़ के लिए अलग पेज होता है। तो ये जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो सब एडिटर कैसे योगदान देता है इस डिज़ाइन को बनाने में। ऑप्शन है इसमें ए, लिविंग लेआउट डिसीजंस टू डिज़ाइनर्स, यानी जो है क्या करता है, लेआउट निर्णय डिज़ाइनरों पर छोड़ देता है, मतलब डिज़ाइनरों को ये काम दे देता है। बी है प्रोवाइडिंग इनपुट ऑन लेआउट एंड डिज़ाइन चॉइसेस, यानी जो लेआउट और डिज़ाइन चॉइसेस हैं, विकल्प हैं, विकल्पों पर इनपुट प्रदान करता है। सी इग्नोरिंग विजुअल एलिमेंट्स, जो फोटो वगैरह होते हैं उनमें देने होते हैं उसको इग्नोर करता है, बिल्कुल नहीं, ये तो आंसर होंगे नहीं। डी है अवॉइडिंग कोलेबोरेशन विद डिज़ाइनर्स, डिज़ाइनर के साथ मतलब सहयोग लेने में क्या करता है, अवॉइड करता है डिज़ाइनर का सहयोग लेने में, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रोवाइडिंग इनपुट ऑन लेआउट एंड डिज़ाइन चॉइसेस, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज़ इथिकल ओवरसाइट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द सब एडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इथिकल मतलब होता है नैतिकता से जुड़ा हुआ कुछ, नैतिक ओवरसाइट, इथिकल ओवरसाइट यानी नैतिक निरीक्षण जो हमारा सब एडिटर होता है, उप संपादक की जिम्मेदारियों का एक अनिवार्य पहलू क्यों है, ये बताना है। तो कोई भी हो, चाहे रिपोर्टर हो चाहे एडिटर हो, उनको ना क्या होना चाहिए, नैतिकता का ज़रूर पालन करना चाहिए, है ना। अगर उनकी नैतिकता का वो पालन नहीं करेंगे तो वो ठीक से न्यूज़ नहीं दे पाएंगे, है ना। न्यूज़ में हमें उनका पक्षपात दिखेगा अगर वो नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, है ना, न्यूज़ हमें एक्यूरेट सटीक नहीं देंगे वो, तो नैतिकता का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ऑप्शन है इसमें ए, टू इनक्रेज बायस रिपोर्टिंग, बायस रिपोर्टिंग के लिए जो है, बायस रिपोर्टिंग मतलब पक्षपात को बढ़ाने के लिए हमें क्या नैतिकता का पालन करना चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है टू अवॉइड इथिकल कंसीडरेशंस, यानी नैतिकता को अवॉइड करना चाहिए, नैतिक विचारों को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सी है अपहोल्डिंग ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस एंड एक्यूरेसी, यानी ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता होती है, निष्पक्षता होती है, फेयरनेस जो होती है, और एक्यूरेसी तो आपको पता ही है ना, तो उसको बनाए रखने के लिए हमें जो है नैतिक मुद्दों का यूज़ करना चाहिए, नैतिकता बनाए रहना चाहिए। डी है इग्नोरिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो एथिकल मानक होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपको अच्छे से क्लियरली पता चल गया होगा, आंसर होगा इसका सी, अपहोल्डिंग ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एडिटिंग इन द राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस जो होता है, न्यूज़ राइटिंग कह लो, है ना, उसमें जो मेन गोल होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है एडिटिंग का, है ना। ऑप्शन है इसमें ए, जनरेटिंग आइडियाज़, आइडियाज़ जनरेटिंग, तो हमारे जब रिपोर्टर आता है, मतलब रिपोर्टर न्यूज़ लाता है वहीं से आइडिया जनरेट हो जाता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, है ना, एडिटिंग का पूछा इन्होंने। बी है रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग, यानी पुनर्लेख, रीराइटिंग करना और पॉलिशिंग करना। सी है कंडक्टिंग रिसर्च, यानी रिसर्च करना, ठीक है, रिसर्च करना तो होगा नहीं, वो तो रिपोर्टर में ही हम कर लेते हैं, रिपोर्टिंग जब करते हैं तभी रिसर्च हो जाता है। डी है फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, यानी दस्तावेज को प्रारूपित करना, तो ये भी नहीं होगा। जो एडिटिंग होता है, ठीक है, तो उसका मुख्य लक्ष्य होता है रीराइटिंग, मतलब उसको ठीक से एडिट करके लिखना, जो भी उसमें ऐड करना है वो ऐड करना, जो एक्स्ट्रा है उसको कट करना, एंड उसकी पॉलिशिंग करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 विच एडिटिंग प्रिंसिपल
focuses on eliminating unnecessary words and technical terms to enhance reader understanding. यानी कौन सा संपादन यानी एडिटिंग सिद्धांत पाठक की रीडर की समझ को बढ़ाने के लिए अनावश्यक यूजलेस शब्दों और टेक्नोलॉजी शब्दों को हटाने पर ध्यान केंद्रित करता है. ऑप्शन है इसमें ए क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस यानी क्लियर हो और कंसाइज हो, ठीक है, संक्षिप्त हो यानी छोटे से छोटा हो. बी है कंसिस्टेंसी यानी सिर्फ संगति कंसिस्टेंसी निरंतरता. सी है ग्रामर एंड पंक्चुएशन यानी व्याकरण और विराम चिन्ह. डी है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर यानी संगठन और संरचना. तो इन्होंने कहा है कि अनावश्यक शब्दों को हटाना है हमें, यूजलेस वर्ड्स को और यूजलेस टेक्निक्स को हटाना है, तो वो करता है हमारा क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस. आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए क्लियरिटीज और कंसाइजनेस. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट एस्पेक्ट यानी पहलू ऑफ अ वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, वेल फॉर्मेटेड मतलब अच्छे से बना हुआ डॉक्यूमेंट, डज द कंसिस्टेंसी एडिटिंग प्रिंसिपल एड्रेस. यानी जो है कंसिस्टेंसी जो संपादन सिद्धांत का एक अच्छी तरह से प्रारूपित दस्तावेज के किस पहलू को संबोधित करता है. कंसिस्टेंसी के बारे में इन्होंने पूछा है. ऑप्शन इसमें ए क्लियर एक्सप्रेशन देता है मतलब क्लियर स्पष्ट अभिव्यक्ति देता है. बी है करेक्टिंग इरर्स यानी जो इरर्स हैं उनको करेक्ट करवाता है. सी है स्टाइल टोन एंड लेआउट देता है. डी है फैक्ट चेकिंग, तो फैक्ट चेकिंग नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा, क्लियर एक्सप्रेशन नहीं होगा. कंसिस्टेंसी जो होता है हमारा स्टाइल टोन एंड लेआउट होता है. क्या होता है स्टाइल टोन एंड लेआउट, निरंतरता, ठीक है. इन्होंने पूछा था कि कंसिस्टेंटली जो है एडिटिंग सिद्धांत एक अच्छी तरह से प्रारूपित दस्तावेज के लिए के किस पहलू से संबोधित करता है, तो है इसका स्टाइल टोन एंड लेआउट. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. विच एडिटिंग प्रिंसिपल यानी एडिटिंग का जो सिद्धांत है इस कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रीडेबिलिटी. यानी ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी होती है सटीकता, ठीक है, यानी कौन सा संपादन सिद्धांत व्याकरणिक सटीकता यानी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और रीडेबिलिटी पठनीयता सुनिश्चित करने से संबंधित है. कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो एक्यूरेसी बनाता है ग्रामेटिकल में, ग्रामर वगैरह में, और उसको रीडेबल पढ़ने लायक बनाता है. ऑप्शन इसमें ए क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशनेशन यानी एक्सप्रेशंस का क्लियर स्पष्ट होना. बी है ग्रामर एंड पंक्चुएशंस यानी जो व्याकरण और विराम चिन्ह. सी है एंगेजिंग लैंग्वेज यानी आकर्षक भाषा. डी है करेक्टिंग इरर्स यानी त्रुटियों को सही करना. तो ग्रामर की बात हो रही है, ग्रामर की एक्यूरेसी सटीकता की बात हो रही है, तो होगा आंसर बी ग्रामर एंड पंक्चुएशन, ठीक है. ग्रामर ठीक से यूज हो इस वाले सिद्धांत में आता है हमारा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रीडेबिलिटी, आंसर बी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एडिटिंग प्रिंसिपल फोकस ऑन यानी संगठन और संरचना में स्ट्रक्चर में एडिटिंग सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करता है. ऑप्शन इसमें ए करेक्टिंग स्पेलिंग इरर्स स्पेलिंग की जो इरर्स हैं उन पर. बी है इंश्योरिंग ऑडियंस अवेयरनेस यानी जो दर्शकों की जागरूकता सुनिश्चित करना. सी है अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट इन अ लॉजिकल मैनर यानी एक लॉजिकल तरीके से कंटेंट को पेश करना, व्यवस्थित करना. डी है फैक्ट चेकिंग यानी तथ्य की जांच. यहाँ पर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर की बात, ठीक है. तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी. ऑर्गेनाइजेशन करना क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाना क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है ना, तो अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, कंटेंट की अरेंजमेंट और उसको लॉजिकल मैनर में लगाना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. हाउ डज एडिटिंग कंट्रीब्यूट यानी योगदान देता है देती है टू मेंटेनिंग द राइटर्स थॉट्स एक्यूरेसी. यानी जो राइटर है
ठीक है, जो एडिटिंग है संपादन लेखन के विचारों की सटीकता को बनाए रखने में कैसे योगदान देता है। ठीक है, जो एडिटिंग है वो कैसे योगदान देती है, जो लेखक है उसके विचारों की सटीकता को बनाए रखने में। ऑप्शन इसमें है फैक्ट चेकिंग के द्वारा, बी क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, सी इंगेजिंग लैंग्वेज यानी आकर्षक भाषा, सी कंसिस्टेंसी यानी संगति कह सकते हैं, निरंतरता कह सकते हैं, है ना। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर राइटर्स के थॉट्स की एक्यूरेसी की बात हो रही है, राइटर के थॉट को कैसे बनाता है, तो एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए उसके। ठीक है, इन्होंने पूछा था कि संपादन लेखक के विचारों की सटीकता को बनाए रखने में कैसे योगदान देता है, क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन से, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज ऑडियंस अवेयरनेस यानी जागरूकता इन्वॉल्व इन द एडिटिंग प्रोसेस, यानी यानी संपादन प्रक्रिया में दर्शकों ऑडियंस की जागरूकता में क्या शामिल है, एडिटिंग प्रोसेस में पूछा है इन्होंने। ऑप्शन इसमें ए करेक्टिंग इरर्स यानी इरर्स को करेक्ट करना, बी है फैक्ट चेकिंग यानी तथ्य की जांच करना, सी है एडजस्टिंग वर्डिंग एंड टोन टू द टारगेट ऑडियंस यानी लक्षित जो टारगेट ऑडियंस है लक्षित दर्शकों के लिए शब्दों और लहजों को समायोजित करना, डी है इंगेजिंग लैंग्वेज यानी भाषा को आकर्षक बनाना। तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एडजस्टिंग वर्डिंग एंड टोन टू द टारगेट ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस है जो हमें पता है कि ये लोग देखेंगे, है ना, तो उसको वर्ड को ऐसा यूज़ करना, उनके हिसाब से एडजस्ट करना और टोन को। ठीक है, अगर हमें ऐसा कोई पेज होता है जो बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, न्यूज़पेपर में एक ऐसा पेज आता है जिसमें चुटकुले वगैरह लिखे होते हैं, तो आपने देखा होगा वो थोड़ा ईजी लैंग्वेज में होता है। वो क्यों ईजी लैंग्वेज में होता है, क्योंकि पेपर को प्रिंट करने वाले को पता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, बच्चे हैं, मतलब कम एज के बच्चे हैं, मतलब जिन्हें ठीक से पढ़ना नहीं आता है, तो वो इजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि वो बच्चे आकर्षित हों उस न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ अ की फोकस ऑफ द एडिटिंग प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज यूसेज, यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है यानी भाषा के यूज़ के संदर्भ में जो एडिटिंग प्रोसेस है संपादन प्रक्रिया का मुख्य फोकस क्या होना चाहिए लैंग्वेज यूज में। ऑप्शन है इसमें ए ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर यानी संगठन और संरचना, बी इंगेजिंग लैंग्वेज यानी आकर्षक भाषा, सी क्लियरिटी एंड कंसाइसनेस यानी स्पष्टता और संक्षिप्तता, डी ऑडियंस अवेयरनेस यानी दर्शकों की जागरूकता। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, इंगेजिंग लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए हमें जो लोगों को आकर्षित करे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच एस्पेक्ट ऑफ एडिटिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग एंड फिक्सिंग टाइप्स यानी फाइंडिंग एंड फिक्सिंग टाइपोस स्पेलिंग प्रॉब्लम्स एंड अदर मैकेनिकल फ्लो, यानी संपादन के किस पहलू में टाइपो वर्तनों जो वर्तनी होती है, जो बोलने का तरीका कह सकते हैं हम, है ना, वर्तनी की समस्याओं और अन्य यांत्रिक दोषों को ढूंढना और ठीक करना शामिल है, किस पहलू में। ऑप्शन है इसमें ए फैक्ट चेकिंग, बी कंसिस्टेंसी, सी करेक्शन एरर, डी क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन की क्लियरिटी। तो आंसर हो जाएगा 31 का हमारा, 31 का आंसर है सी, करेक्टिंग एरर्स यानी एरर्स को करेक्ट करना। ठीक है, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स इन सब में क्या होना चाहिए, करेक्टिंग एरर्स, आंसर हो जाएगा सी यानी गलतियों को त्रुटियों को सुधारना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज फैक्ट चेकिंग इन एडिटिंग एम टू अचीव, यानी जो संपादन में तथ्य जांच का उद्देश्य क्या हासिल करना होता है। ठीक है, फैक्ट चेकिंग का उद्देश्य क्या हासिल करना होता है ये पूछा है। ऑप्शन इसमें ए इन्हेंसिंग रीडर अंडरस्टैंडिंग यानी जो पाठक है उनकी समझ को बढ़ाना, बी है इंश्योरिंग ग्रामेटिकल एक्यूरेसी यानी ग्रामेटिक सटीकता सुनिश्चित करना, सी है वेरीफाइंग द क्रेडिबिलिटी एंड रिलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो जानकारी है जो न्यूज़ है उसकी विश्वसनीयता और विश्वसनीयता की पुष्टि करना, डी है क्रिएटिंग इंगेजिंग लैंग्वेज यानी आकर्षक भाषा बनाना। तो फैक्ट चेकिंग की यहाँ बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, वेरीफाइंग द क्रेडिबिलिटी एंड रिलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो न्यूज़ दे रहे हैं हम उसको विश्वसनीय बनाना और विश्वसनीयता की पुष्टि करना, आंसर सी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच एडिटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द वर्डिंग एग्जाम्पल्स एंड टोन टू अपील टू द इंटेंडेड ऑडियंस, यानी कि संपादन सिद्धांत, ठीक है, एडिटिंग प्रिंसिपल्स में लक्षित दर्शकों यानी टारगेट ऑडियंस हो ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए शब्दों उदाहरणों और लहजे को समायोजित करना शामिल है, किस प्रिंसिपल में? ऑप्शन इसमें ए ऑडियंस अवेयरनेस में यानी दर्शकों के जागरूकता में, बी कंसिस्टेंसी में यानी संगति में, सी क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस में यानी स्पष्टता और संक्षिप्तता में, डी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर एग्जांपल्स की बात हो रही है, वर्डिंग की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, यही इसका आंसर होगा कंफर्म, ठीक है, कि एग्जांपल देंगे, एक स्ट्रक्चर तो हुआ हमारा एक एग्जांपल देना, ठीक है, वर्ड का एडजस्टमेंट है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द ओवरएचिंग गोल ऑफ द एडिटिंग प्रिंसिपल, यानी संपादन सिद्धांतों का व्यापक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है इसमें ए जेनरेटिंग आइडियाज़ यानी आइडियाज़ को जनरेट करना, बी इंश्योरिंग परफेक्शन यानी परफेक्शन बनाना पूर्णता सुनिश्चित करना, सी है क्रिएटिंग ऑथेंटिक कंटेंट यानी प्रमाणिक कंटेंट बनाना, सी है रिफाइनिंग रिटन कंटेंट यानी लिखित कंटेंट को परिष्कृत करना रिफाइनिंग करना। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो व्यापक जो गोल है उनका रिफाइनिंग करना होता है, राइटिंग रिटन कंटेंट को क्या करना होता है, रिफाइनिंग, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज द एडिटिंग प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ पॉलिश्ड एंड इफेक्टिव पीस, यानी संपादन प्रक्रिया एक परिष्कृत यानी पॉलिश्ड होना चाहिए, ठीक है, परिष्कृत और प्रभावी कृति बनाने में कैसे योगदान देता है? जो भी हम न्यूज़ दे रहे हैं वो कैसी होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन है इसमें ए बाय फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करके, बी है बाय कंडक्टिंग रिसर्च यानी रिसर्च करके, सी है बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वर्ड्स यानी अनावश्यक शब्दों को हटाकर, ठीक है, यूजलेस शब्दों को हटाकर, डी है बाय जनरेटिंग आइडियाज़ जनरेट करके। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यहाँ पर बात हो रही है पॉलिश्ड एंड इफेक्टिव पीस बनाने की, प्रभावित कैसे बनेगा जो भी हमारा वो होगा, तो यूजलेस जो वर्ड्स होते हैं यूजलेस उनको हटाकर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एडिटोरियल पॉलिसीज इन अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी एडिटोरियल पॉलिसीज में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एडिटोरियल पॉलिसीज का प्राइमरी पर्पस क्या है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज यानी मुख्य उद्देश्य बताना है ना इसमें, तो कंटेंट आइडियाज़ बनाना जनरेट करना, बी है इंश्योरिंग प्रोफेटिबिलिटी, सी है मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी मोरल बिहेवियर एंड एडिटोरियल वॉइस, डी है कंडक्टिंग ऑडियंस सर्वेस। तो 36 का हमारा आंसर है सी, कैसे प्राइमरी पर्पस क्या है एडिटोरियल पॉलिसीज़ का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्मिटी एक रूपकता को मेंटेन करना, मोरल बिहेवियर नैतिक बिहेवियर को मेंटेन करना, एडिटोरियल वॉइस को मेंटेन करना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच एस्पेक्ट ऑफ इथिकल एडिटोरियल पॉलिसी यानी एडिटोरियल पॉलिसी के किस पहलू में इन्वॉल्व्स है, मतलब शामिल है, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी जो हितों के टकराव से बचना, गिविंग प्रॉपर क्रेडिट यानी एक प्रॉपर क्रेडिट देना, ठीक है, मतलब उचित श्रेय देना, डी प्रिवेंटिंग प्लेजरिज्म यानी जो साहित्यिक चोरी जो हो जाती है उससे को रोकना किस उसमें शामिल है एडिटोरियल किस एडिटोरियल पॉलिसी में ये सब शामिल है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन में यानी सटीकता और सत्यापन में, बी फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी में यानी जो फेयरनेस निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता में, सी है इंडिपेंडेंस होने में स्वतंत्रता में, डी है मोरल रिक्वायरमेंट्स में यानी नैतिक अपेक्षाओं में। तो हमें इसमें ये कहा गया है कि साहित्यिक चोरी से बचना,
हितों के टकराव से उसको अवॉइड करना, हितों के टकराव को है ना, विवादों को अवॉइड करना, उचित श्रेय देना, तो ये सब नैतिकता में आता है, मॉरल रिक्वायरमेंट्स में आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। साहित्यिक चोरी वगैरह से बचना किस में आता है, मॉरल रिक्वायरमेंट्स में, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। What does the emphasis on accuracy and verification in editorial policy involves? यानी संपादकीय नीतियों में सटीकता और सत्यापन पर जोर देना किस में शामिल है? ऑप्शन है इसमें ए, मेंटेनिंग अ रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड, यानी एक पहचान योग्य ब्रांड को बनाए रखने के लिए। बी है इनकरेजिंग इंक्लूजन इन कंटेंट डेवलपमेंट, यानी सामग्री विकास में समावेश को प्रोत्साहित करना, इंकरेज करने के लिए। सी है मेडिकुलस फैक्ट चेकिंग एंड सोर्स रिलेबिलिटी कंफर्मेशन, यानी सावधानी पूर्वक तथ्य जांच और सोर्स विश्वसनीयता की पुष्टि। डी है लीगल कंसिडरेशंस, यानी कानूनी विचार। तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। एडिटर पॉलिसी में एक्यूरेसी और वेरिफिकेशन की बात कही गई है इसमें, तो मेडिकुलस फैक्ट चेकिंग एंड सोर्स रिलेबिलिटी कंफर्मेशन, यानी सावधानी पूर्वक तथ्य की जांच और सोर्स की विश्वसनीयता की पुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाई इज एडिटोरियल इंडिपेंडेंस कंसिडर्ड अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ जर्नलिस्टिक हॉनेस्टी, यानी संपादकीय स्वतंत्रता को पत्रकारिता की ईमानदारी का एक मूलभूत घटक क्यों माना जाता है? यानी क्या कहा इन्होंने, संपादकीय स्वतंत्रता को पत्रकारिता जर्नलिज्म की ईमानदारी का एक मूल घटक क्यों माना जाता है? ऑप्शन है इसमें ए, टू इंक्रीज ऑडियंस एक्सेसिबिलिटी, यानी दर्शकों की पहुंच बढ़ाने के लिए। बी है टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों के टकराव को रोकने के लिए। सी है टू एलो फ्री डिसीजन मेकिंग विदाउट एक्सेसिव एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी अत्यधिक भारी प्रभाव के बिना, मतलब भारी प्रभाव से बचते हुए एक स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देना। डी है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉपीराइट इन्फ्रेजमेंट, यानी कॉपीराइट उल्लंघन की सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्री डिसीजन मेकिंग, यानी एक भार के प्रभाव ना पड़ा। न्यूज़ में कोई डिसीजन लेना है तो उससे भार की सोच का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट में एडिटोरियल रूल्स एड्रेस रिगार्डिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन कॉन्टेंट डेवलपमेंट, यानी सामग्री विकास में विविधता डाइवर्सिटी और समावेश के संदर्भ में संपादकीय नियम क्या संबोधित कर सकते हैं? डाइवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है, और इंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पर। ए है इंकरेजिंग प्रेकंसेप्शंस, यानी पूर्व धारणाओं को प्रोत्साहित करना। बी है रिप्रेजेंटिंग अ वैरायटी ऑफ ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, यानी दर्शकों के विभिन्न अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना। सी है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों के टकराव से बचना। सी है इंश्योरिंग ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड, यानी ये सुनिश्चित करना कि सभी जनसंख्यिकीय समूह का प्रतिनिधित्व हो। तो 40 का हमारा आंसर यही होगा, आंसर डी। ऐसा चलना चाहिए, हमें ऐसी न्यूज़ देना चाहिए, ठीक है, जिससे मतलब सारे जो भी समूह हैं जनसंख्या की समूह, उन सब का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, वो सभी पढ़ सकें न्यूज़ को। ठीक है, तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का यही इसमें मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट पर्पस डज स्पेसिफाइंग अ प्रेफर्ड राइटिंग स्टाइल एंड टोन सर्व इन एडिटोरियल रेगुलेशंस, यानी संपादकीय विनियमों में पसंदीदा लेखन शैली और लहजे को निर्दिष्ट करने से क्या उद्देश्य पूरा होता है? ऑप्शन इसमें ए, इनकरेजिंग लीगल कंसिडरेशन, यानी कानूनी विचारों को प्रोत्साहित करना। बी है शील्डिंग द न्यूज़पेपर्स फ्रॉम लॉ सूट्स, यानी समाचार पत्र को मुकदमे से बचाना। सी है फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड, यानी एक पहचान योग्य ब्रांड के विकास को सुगम बनाना। डी है प्रोमोटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, यानी सामुदायिक मानकों को बढ़ावा देना। तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड, यानी अपने ब्रांड की पहचान बनाना। ठीक है, आंसर सी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट डू एडिटोरियल पॉलिसीज ऑफ्टन आउटलाइन रिगार्डिंग कमेंटरी एंड ओपिनियंस, यानी संपादकीय नीतियाँ अक्सर टिप्पणियों और राय के बारे में क्या रेखांकित करती हैं। ठीक है, किसके बारे में? टिप्पणियों के बारे में, ठीक है, कमेंट्री के बारे में, एंड ओपिनियंस और अलग अलग लोगों की रायों के बारे में क्या रेखांकित करती हैं। ऑप्शन इसमें ए लीगल कंसिडरेशंस, बी द डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड एडिटोरियल कंटेंट, यानी समाचार रिपोर्टिंग और संपादकीय कंटेंट के बीच अंतर, सी इंश्योरिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स यानी हित मतलब जो सामुदायिक मानकों को सुनिश्चित करना, डी है इनकरेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव को प्रोत्साहित करना। तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा बी द डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड एडिटोरियल कंटेंट, यानी समाचार रिपोर्टिंग और संपादकीय सामग्री के बीच अंतर करती हैं। क्या करती हैं? अंतर। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच लीगल इशू आर कॉमनली कवर्ड बाय एडिटोरियल रूल्स, यानी संपादकीय नियमों द्वारा आमतौर पर कौन सा कानूनी मुद्दा कवर किया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन यानी विज्ञापन विनिमय, बी है कॉपीराइट लाइबल एंड डिफेमेशन, ठीक है, यानी कॉपीराइट मानहीन और बदनामी, सी है फैक्ट चेकिंग एंड प्रोसीजर्स, फैक्ट चेकिंग प्रोसीजर जो भी होता है प्रक्रिया, डी है ओपिनियन एंड कमेंट्री स्टैंडर्ड्स यानी राय और टिप्पणियां का जो मानक होता है वो। तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। लीगल इशू मतलब कौन सा संपादकीय नियमों द्वारा आमतौर पर कौन सा कानूनी मुद्दे को कवर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका कॉपीराइट लायबल और डिफेमिनेशन, यानी जो कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो जाती है, मानहीन होता है और बदनामी, ये सब जो होते हैं इशू वो ज़्यादातर अक्सर सामना करना पड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस वीडियो का 44। व्हाट रोल डू कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स प्ले इन सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एडिटोरियल गाइडलाइंस, यानी कुछ मीडिया संगठनों के जो एडिटोरियल गाइडलाइंस होते हैं दिशा निर्देश में सामुदायिक मानकों का क्या भूमिका होती है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन है इसमें ए मेंटेनिंग आ रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड यानी एक पहचान योग्य ब्रांड बनाए रखना, बी है शील्डिंग द न्यूज़पेपर्स फ्रॉम लॉ सूट्स यानी समाचार को मुकदमे से बचाना, सी है रिफ्लेक्टिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सर्व्ड कम्युनिटी यानी सेवा प्राप्त समुदाय के मानदंडों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करना, डी है इंकरेजिंग इंक्लूजन्स इन कंटेंट डेवलपमेंट यानी सामग्री विकास में समावेश को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर कम्युनिटी स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी रिफ्लेक्टिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सर्व्ड कम्युनिटी, यानी जिस कम्युनिटी को हम सर्व्ड कर रहे हैं अपनी न्यूज़ को, ठीक है, मतलब जो सेवा प्राप्त समुदाय है उसके मानदंडों और मूल्यों यानी वैल्यूओं को प्रतिबिंबित करना, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये हमारे 44 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इस यूनिट के। बाकी लगभग इस यूनिट में मतलब इस टॉप इस यूनिट 7 में लगभग 80 या 85 क्वेश्चन हैं, तो 44 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, है ना। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, कॉन्सेप्ट का भी PDF मिल जाएगा और क्वेश्चंस का भी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।